असिन का जन्म 26 अक्टूबर 1985 को हुआ था। ये बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, सलमान खान और आमिर खान के साथ काम कर चुकी है। हिंदी फिल्मों में आने से पहले इन्होंने तमिल और तेलुगु भाषा की कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन इस वीडियो में हम इनकी हिंदी फिल्मों के बारे में बात करेंगे। साल 2008 में असिन की मूवी आई थी गजनी। इस मूवी के डायरेक्टर A.R. मिर्दादोश थे। इस मूवी में असिन के साथ आमिर खान और जिया खान भी थे। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ जिसने भारत में कमाई की थी 114 करोड़ की, वर्ल्डवाइड कमाई की थी 194 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद साल 2009 में असिन की मूवी आई थी लंदन ड्रीम्स। इस मूवी के डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह थे। इस मूवी में असिन के साथ अजय देवगन और सलमान खान भी थे जिसका बजट था 45 करोड़, भारत में कमाई की थी 28 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई रही थी 45 करोड़ की और यह मूवी फ्लॉप रही थी। साल 2011 में असिन की मूवी आई थी रेडी। इस मूवी के डायरेक्टर अनीस बजबी थे। इस मूवी में असिन के साथ सलमान खान थे। मूवी का बजट था 40 करोड़, भारत में कमाई की थी 121 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 183 करोड़ की और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 2012 में असिन की मूवी आई थी हाउसफुल 2। इस मूवी में असिन के साथ अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, मिथुन चक्रवर्ती, जैकलिन फर्नांडिस, जॉन इब्राहिम, श्रेयस तलपड़े और जरीन खान थी। मूवी का बजट था 72 करोड़, भारत में कमाई की थी 112 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 189 करोड़ की और यह मूवी सुपरहिट रही थी। इसके बाद साल 2012 में इनकी मूवी आई थी बोल बच्चन। इस मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे। इस मूवी में असिन के साथ अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और प्राची देसाई थे। इस मूवी का बजट 60 करोड़ था जिसने भारत में कमाई की थी 100 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 160 करोड़ की और यह मूवी हिट रही थी। साल 2012 में असिन की मूवी आई थी खिलाड़ी 786। इस मूवी में असिन के साथ अक्षय कुमार थे। मूवी का बजट था 60 करोड़, भारत में कमाई की थी 70 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 97 करोड़ की और यह मूवी हिट रही थी। इसके बाद साल 2015 में इनकी मूवी आई थी ऑल इज वेल। इस मूवी के डायरेक्टर उमेश शुक्ला थे। मूवी में असिन के साथ अभिषेक बच्चन और ऋषि कपूर थे। मूवी का बजट था 34 करोड़, भारत में कमाई की थी 13 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 23 करोड़ की और यह मूवी डिजास्टर रही थी।